सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन के बारे में। पहले आप ये समझिए कि लॉजिकल फंक्शन एक्सेल में हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसका वर्ग क्या होता है, मतलब लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका क्या क्या स्टेप होता है, यही आपको क्लास में समझना। जैसे लॉजिकल नाम से स्पष्ट है, लॉजिकल मतलब इसमें लॉजिक लगा करके तब आपको क्या करना होता है, डिस्काउंट आपको निकालना होता है। जैसे मान के चलिए मार्केटों में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो उसमें बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं, तब जाकर के हमको 10% या 20% या 30% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसा भी होता है कि अगर जैसे मान के चलिए कि अगर आप इतने रुपए का सामान खरीदते हैं तब जाकर के आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं तब जाकर के आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। जैसे मॉल में भी अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा मॉल में नॉर्मल तरीके से आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। जैसे अगर कहता है उसमें मॉल में मतलब बताया जाता है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं जो 20,000 से ऊपर का है तब जाकर के आपको 10% उसमें लेस मिल जाए। या नॉर्मल तरीके से भी दुकान पे हम सामान खरीदते हैं तो उसमें हमको डिस्काउंट मिलता है, तो वो हम डिस्काउंट कैसे प्राप्त करते हैं इसी को आज की क्लास में एक्सेल में हमको समझना है, जो लॉजिकल फंक्शन के माध्यम से हमको समझना है। यानी कि इसमें टोटली आप ये समझिए कि आप पैसा दे रहे हैं और सामान प्राप्त कर रहे हैं, और सामान प्राप्त करते समय वो जो दुकानदार है वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, और इसके लिए कौन कौन सा टर्म और कंडीशन दुकानदार का है उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हमको डिस्काउंट प्राप्त करना। जैसे मान के चलिए कि आप लिखा हुआ है कस्टमर के नेम में, जैसे मोहन लिखा हुआ, इसके पास यहाँ पे सोहन लिखा हुआ, फिर यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है, फिर पंकज है, फिर राज है और फिर आकाश, इतने सारे हमारे कस्टमर हैं। अब देखिए ये मोहन है 50,000 रुपये लेके जाते हैं तो ये मात्र 10 प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, कोई सा भी 10 प्रोडक्ट, 50 रुपये मतलब 50,000 रुपये में मात्र 10 प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं। और ये सोहन है ये मार्केट में 60,000 रुपये लेके जाते हैं तो ये मात्र कितना प्रोडक्ट पाते हैं, 5 प्रोडक्ट पाते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप लिखा हुआ है जैसे कृष्णा है, तो कृष्णा 12,000 रुपये लेके जाते हैं तो कितना प्रोडक्ट लेते हैं, 6 प्रोडक्ट लेते हैं। इसी तरीके से जैसे पंकज लिखा हुआ है 30,000 रुपये लेके जाते हैं तो इनको 8 प्रोडक्ट मिलता, और राज है तो 45,000 लेके जाते हैं तो इनको 9 प्रोडक्ट मिलता, और आकाश है तो 45,000 लेके जाते हैं तो इनको 12 प्रोडक्ट मिलता। जैसे मान के चलिए कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है, कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो हम पैसा ज्यादा मात्रा में देते हैं तो ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, या कम मात्रा में देते हैं तो ज्यादा मात्रा में भी प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, और कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो ज्यादा पैसा देते हैं तो मात्र कम ही मिलता, ऐसा होता है कि नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि कोई महंगे प्रोडक्ट की हम खरीदारी करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारा महंगा है तो पैसा ज्यादा देंगे तो कम प्रोडक्ट मिलेगा कि ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, कम प्रोडक्ट मिलेगा। शासन के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि जैसे मान के चलिए कि इतने सारे कस्टमर हैं और इतना पैसा लेके जाते हैं तो उनको ये इतना प्रोडक्ट मिलता, और चूंकि प्रोडक्ट का नाम मैंने नहीं लिखा, अभी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा हमारा। बस आप इतना समझिए कि जैसे मोहन है, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मोहन है ये 50,000 रुपये मार्केट में लेके जाते हैं और इनको 10 प्रोडक्ट खरीदने को मौका मिलता, मतलब 50,000 रुपये में अब जो भी प्रोडक्ट ये खरीदे हो इनको 10 प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरीके से सोहन है ये मार्केट में 60,000 रुपये लेके जाते हैं तो इनको मात्र 5 प्रोडक्ट मिलता है, कितना प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट। इतना समझ में आया? अब चलिए इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि कस्टमर को 10% क्या देना है, डिस्काउंट देना है, और इसमें लिखा हुआ है इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5,000 डिस्काउंट 10%। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया है उसको 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो किसको किसको 10% मिलेगा, सबको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में समझिए।
मैंने बोला है ना कि जो आपका हेडिंग दिख रहा है बस वही आपका फार्मूला है। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रेकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है किसकी, टोटल बिल की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है हम बिल को ही सिलेक्शन करेंगे। और कितना से ऊपर, 5,000, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और कितना लिख देंगे, 5,000। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया है तो कामा डाउटेड कामा में कितना परसेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। मैंने बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डाउटेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है, और पुनः मैंने नीचे कामा कर दिया। यदि कोई ऐसा कस्टमर नहीं है तो उसको मिल जाए कितना परसेंट, 0% मिल सकता है। जैसे मान के चलिए कि जो कस्टमर 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया होगा तो उसको तो 10% मिल जाएगा, लेकिन जो 5,000 से ऊपर का खरीदारी नहीं किया तो उसको 0% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और बस यहाँ से ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, क्या गया, क्या गया, 10%। सही है फार्मूला। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सब में 10% आ जाएगा, आ गया ना। आप चलिए मान के चलिए कि 60,000 रुपए की खरीदारी की है, अब हम इनका ले लेते हैं मात्र 4,999, तो क्या इसका 10% मिलेगा, 0% आया। क्यों 0% आया, 5,000 से ऊपर दिया गया वैल्यू, और ये 5,000 से 1 रुपए भी अगर नीचे होगा तो इस केस में इसको 0% मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को पहला कंडीशन में, चलिए दूसरा कंडीशन समझते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है पहले इसके बारे में आप समझिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि यदि कस्टमर का बिल 10,000 से ऊपर, आर का मतलब क्या होता है, या जैसे मान के चलिए कि कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको 4 क्वेश्चन मिल जाता है, उसमें आपको कहा जाता है कि इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और कोई एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है, तो उसमें कोई भी आप आसानी तरीके से एक छोड़ सकते हैं। तो आर का मतलब होता है या, और या का मतलब जैसे अगर टोटल बिल मैच करे या हमारा कस्टमर का प्रोडक्ट नंबर मैच करे, अगर दोनों में से कोई भी एक मैचिंग करता है तो उसको मिलेगा कितना परसेंट, 20%। देखिए इसमें लिखा हुआ कि यदि कस्टमर का बिल 10,000 से ऊपर है या प्रोडक्ट की संख्या बड़ा है या बराबर है कितना से, 500, तो उसको डिस्काउंट मिले कितना परसेंट, 20%। अभी नहीं समझ में आया होगा, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 10,000 से रुपए 10,000 ऊपर से खरीदारी किया या 10,000 ऊपर से नहीं भी खरीदारी किया है तो भी 5 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा या 5 से ऊपर खरीदा है, तब जाके उसको मिलेगा कितना परसेंट, 20%। तो किसको किसको 20% मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिल जाएगा 20%। मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मैच करता है, जैसे यहाँ पे देखिए 50,000 है तो 10 प्रोडक्ट है, इसको 10 20% मिल जाएगा। इसमें 4,999 लिखा है लेकिन 5 प्रोडक्ट है, और मैंने क्या दिया कि 5 के बराबर हो या 5 से ऊपर हो, तो क्या इसको 20% मिल जाएगा ना, 5 के बराबर है तो सबको 20% मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है इफ, यहाँ पे सबसे पहले आपको इफ लिखना है, ब्रेकेट ओपन कर लेना। और एक फार्मूला और दिया है ओ और आर, और तब जाकर के ब्रेकेट ओपन करिए। अब सबसे पहले सिलेक्शन किसको करेंगे, दस टोटल बिल को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन कितना रुपया, हजार 10,000 रुपये, और पुनः नीचे कामा कर देंगे। इसके बाद से किसको सिलेक्शन करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल कितना लिख देंगे, 5। यानी कि अगर किसी कस्टमर का बिल 10,000 से बड़ा हो या प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो, इस केस में हम उसको देना चाहते हैं कितना परसेंट, 20%। तो पहले यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और फिर नीचे कामा करिएगा, फिर डिमांडेड कामा में लिखना है कितना, 20%। फिर नीचे कामा डिमांडेड कामा में 0%, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो। कोई दिक्कत इसमें किसी को, देखिए दोनों कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है, अगर बिल मैच कर रहा है तो भी उसको 20% मिल जाएगा, अगर प्रोडक्ट मैच कर रहा है तो भी उसको 20% मिल जाएगा। मतलब दोनों में कोई एक कंडीशन इसका मैच होना चाहिए तभी तो 20% मिलेगा। अब चलिए इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत है। अब चलिए यहाँ पे हम कम कर देते हैं, जैसे 12,000 से घटा करके मैंने यहाँ पे ले लिया 4,000,
और प्रोडक्ट में 6 को घटा करके मैंने 4 ले लिया, तो क्या रिजल्ट आएगा? समझ में आ रहा है ना? मतलब दोनों में कोई भी एक कंडीशन अगर मैच करेगा तो 0% ना मिलेगा इसको, 20% मिल जाएगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं इसके बाद वाले कंडीशन। अब इसके बाद की कंडीशन में क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए। इसके बाद के कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा, जैसे होता क्या है जब हम डिस्काउंट के ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं, जब डिस्काउंट ज्यादा लेने का मतलब पहुंचते हैं, तो उस केस में कस्टमर का बिल क्या होता है, ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो और प्रोडक्टों की संख्या 10 के बराबर या 10 से ऊपर, तो इसमें आर की बात नहीं हो रही है, एंड की बात हो रही है। मतलब दोनों में दोनों कंडीशन आपका मैच होना चाहिए, तभी जाकर के इसको 30% मिलेगा। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 रुपए की खरीदारी भी किया और 10 के बराबर या 10 से ऊपर प्रोडक्ट खरीदा है, तब जाकर के इसको 30% मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन था, जब दोनों में कोई भी एक मैच कर लेता था तो 20% मिल जाता, लेकिन इसमें क्या है, जब तक दोनों कंडीशन मैच करेगा नहीं तब तक इसको 30% मिलेगा। तो किसको किसको 30% मिलेगा, पहले वाले को मिल जाएगा और दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को और पांचवे वाले को, बस यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रेकेट यहाँ से ओपन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब बात हो रही है सबसे पहले बिल, तो यहाँ पे हम टोटल बिल को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन कितना, 20,000, यानी कि बड़ा हो कितने से, 20,000 रुपए से। फिर नीचे मैंने कॉमा किया, फिर प्रोडक्टों की संख्या, तो किसको सिलेक्शन करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल कितना, 10। यानी कि अगर किसी भी कस्टमर का बिल 10,000 से, सॉरी 20,000 से ऊपर है और प्रोडक्टों की संख्या 10 के बराबर या 10 से ऊपर है, तो उस केस में उसको मिले कितना परसेंट, 30%। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिएगा, नीचे कॉमा, डॉटेड कॉमा में 0%, डॉटेड कॉमा, और यहाँ से ब्रेकेट क्लोज और एंटर करें। फर्स्ट में 30 आ गया, सेकेंड में क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे 0 इसलिए मिला हुआ है क्योंकि 4,999, यानी कि 20,000 से कम है, प्रोडक्ट में 5 दिया, ये भी 10 से कम, ना 10 के बराबर है ना 10 से ज्यादा है, इस केस में इसको 0% मिल गया। इसको 30% मिला है क्योंकि 50,000 रुपये का खरीदारी किया है, 20,000 से ऊपर है और प्रोडक्ट भी 10 के बराबर है, तो इस वजह से इसको 30% मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद बताते हैं। अब यहाँ पे आपको देना है क्या, एवार्ड देना। तो मान के चलिए कि जैसे कंपनी में लकी ड्रा हुआ, कंपनी में लकी ड्रा हुआ और इस केस में लकी ड्रा में ये कहा गया कि कोई ऐसा कस्टमर होगा जो 50,000 रुपए की ऊपर की खरीदारी किया हो, या 50,000 से नीचे आ जाइए, कोई ऐसा कस्टमर है जो 40,000 से ऊपर की खरीदारी किया, तो उसको हम क्या देना चाहते हैं, मोबाइल देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, मोबाइल देना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जिसका खरीदारी हुआ है कितना के बड़ा, 40,000 से ज्यादा, यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 40,000 से ज्यादा का खरीदारी किया है, उसको हम देना चाहते हैं क्या, मोबाइल देना चाहते हैं। फिर मैंने नीचे कॉमा किया, फिर मैंने इफ लिखा, ब्रेकेट यहां से ओपन किया, यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 30,000 से ज्यादा की खरीदारी किया, कितने रुपए से, 30,000 के ज्यादा खरीदारी किया, तो उस केस में हम उसको देना चाहते हैं साइकिल, क्या देना चाहते हैं, साइकिल देना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कंपनी अपनी लकी ड्रा क्या की रही है, लकी ड्रा मतलब इस तरीके से कंपटीशन करवा रही है, ठीक है, उस केस में सबको अवार्ड देने का इन्होंने बोला। और फिर मैंने नीचे कॉमा किया, फिर मैंने इफ लिखा,
यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर के नीचे ऊपर की खरीदारी किया, इस केस में इसको मिल जाए क्या? क्या मिल जाए? मेडल मिल जाए। और बाकी के लिए क्या हम नो अवार्ड लिख सकते हैं? बाकी अगर इससे कम की वैल्यू आती है तो उसको क्या मिले? नो अवार्ड, उसको कोई भी अवार्ड ना दिया जाए, कंपनी की तरफ से उसको कोई भी अवार्ड ना दिया जाए। 1, 2, 3 एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में मोबाइल आ जाएगा। और सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में हाँ बस एंटर करिए, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें मेडल क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इसका जो सेल है वो 30,000 का, और मैंने लिखा भी है कि 30,000 से ऊपर, तो 30,000 तक है तो ले लिया। तीस हजार पे क्यों? 30,000 पे नहीं, 20,000 के ज्यादा है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे मेडल मिला हुआ है। 30,000 पे किसको मिला हुआ है? साइकिल मिला हुआ है। साइकिल किसी को मिला है? अब मिला है। किसको किसको समझ में नहीं आया? किसको क्योंकि देखिए अगर 40,000 के ऊपर है तो मोबाइल मिल जाएगा, और इसमें लिखा है 30,000 से ऊपर है तो साइकिल मिल जाएगा, और फिर कह रहा है कि अगर 20,000 से ऊपर है तो मेडल मिलेगा। तो ये 30-20 हजार से ऊपर ही दिख रहा है ना, तो इसको मेडल मिल गया। अगर 30,000 एक भी रहता तो इसमें क्या मिल जाता? साइकिल मिल जाता। देखिए बस यहाँ पे चेंज करते हैं। हाँ समझ में आ रहा है? बस यही फार्मूला है, कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना। कोई दिक्कत किसी को तो फार्मूला लिखवा दें।